तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, पद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सर्राफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सर्राफों के सिक्के चित्रा दिए, उनके मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे।